बच्चों, गणित में आज हम करेंगे संख्याओं की उछल कूद। तो संख्याओं की उछल कूद में आप कोई न कोई गेम तो खेलते होंगे, जैसे वॉलीबॉल, हॉकी या खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या क्रिकेट। तो आज क्रिकेट मैच के बारे में ही बात करेंगे और इसी से संख्याओं की उछल कूद भी करेंगे। तो सबसे पहले एक पैरा दिया गया है, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था ये, और इसका पूरा वर्णन दिया गया है इसमें। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसी पैरे में से हमें उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले पैरा पढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जयपुर में क्रिकेट मैच 8 सितंबर 2013 को खेला गया। इसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 रन बनाए। एक दिवसीय मैच था जो कि 50-50 ओवरों का था। पाकिस्तान ने बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 321 रन बनाए और एक ओवर के अंदर 6 गेंद होती है। तो इन्हीं में से उत्तर देना है हमें। तो सबसे पहले है, पहला मैच कहाँ खेला गया? मैच कहाँ खेला गया? भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जयपुर में खेला गया। तो यहाँ क्या आएगा? जयपुर। वह शहर किस प्रदेश की राजधानी है? जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है। अब दूसरा है, मैच कितने साल पहले खेला गया था? कौन सी तारीख को खेला गया? मैच कितने साल, यानी अब 2020 चलने लग रहा है और आज तारीख है 9 सितंबर 2020, और ये खेला गया था 8 सितंबर 2013, यानी 2013 से 2020 तक 7 साल बीत चुके हैं। 2020 में से 2013 घटाएं तो 7 साल आते हैं, तो 7 वर्ष पहले खेला गया था, 7 साल पहले। खेला गया था, कौन सी तारीख थी? तारीख ये थी, इसके अंदर दी हुई है 8 सितंबर 2013। अब आगे तीसरा है, मैच किस देश ने जीता? कितने रनों से जीता? भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 रन बनाए और पाकिस्तान ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाए। तो 350 ज़्यादा है 321 से, तो यानी ज़्यादा रन वाला भी जीतता है। तो 350 भारत ने बनाए तो भारत जीता। तो इसमें क्या आएगा? मैच किस देश ने जीता? भारत ने। कितने रनों से जीता? रन अब 350 में से 321 घटाने हैं हमें, तो उतने रनों से ही भारत जीता है। 350 में से 321 घटाएंगे तो 29 आएंगे, 29 रनों से भारत जीता। अब आगे चौथा है, पाकिस्तान कितने रनों से मैच हार गया? तो 29 से जीता तो 29 से ही हार गया वो, तो 29 रनों से हार गया। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को और कितने रन चाहिए थे? मैच, अब ये अलग प्रश्न आ गया। ये तो 29 थे, 29 इसमें थे, 29 रनों से जीता और 29 से भारत जीता और 29 रनों से पाकिस्तान हार गया। लेकिन मैच जीतने के लिए 350 नहीं 351 रन की जरूरत थी। कितने रनों की? 351 की। तब मैच जीत पाता पाकिस्तान, अगर 351 रन बनाता। बनाए कितने उसने? 321। तो 351 में से 321 घटाएंगे तो मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को और कितने रन चाहिए थे? 30 रन और चाहिए थे, ना कि 29, 30 रन। अब आगे, दोनों देशों के गेंदबाजों द्वारा कुल कितनी गेंदें फेंकी गई? अब एक ओवर में 6 गेंदें होती है, 50 ओवर भारत ने फेंके और 50 पाकिस्तान के गेंदबाजों ने फेंके, तो 50 और 50 100 ओवर हो गए। 100 ओवर एक ओवर में
छह गेंद और 100 में 100 ओवरों में 100 गुना 600 यानी 600 गेंदें दोनों तरफ से फेंकी गई। अब आ गया, भारत ने एक ओवर में कितने रन की औसत से रन बनाए, यानी भारत ने 350 रन बनाए और 50 ओवरों में, तो ये 350 को 50 से भाग करेंगे, भाग करने पर 7 उत्तर आएगा। 350 को 50 से भाग करेंगे तो 7, यानी हर एक ओवर में औसत 7 रन बनाए हैं भारत ने। एक बल्लेबाज ने एक ओवर में 24 रन बनाए, एक बल्लेबाज था तो उसने एक ओवर में 24 रन बनाए, तो बताओ उस खिलाड़ी ने एक गेंद पर औसत कितने रन बनाए। एक ओवर में कितनी होती है, 6 गेंदें, तो 6 गेंदों पर उसने 24 रन बनाए, तो एक पर 24 भाग 6, 24 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, यानी हर गेंद पर उसने 4 रन बनाए। अब आगे है, एक गेंदबाज ने इस मैच में कुल 8 ओवर फेंके, उस गेंदबाज ने कुल कितनी गेंदें फेंकी। एक ओवर में 6 गेंदें होती है, उसने कितने फेंके, 8 ओवर, तो 8 गुना 6 यानी 48 गेंदें फेंकी उसने। क्रिकेट खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये था आज संख्याओं के उछल कूद में क्रिकेट मैच का हाल।